नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक सवाल के साथ आई हूँ। क्या जिसे एक बार कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है उसे दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल उसे दोबारा कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। मैं इसी स्टडीज़ के दौरान कुछ पेपर वर्क्स कर रही थी और वहाँ पे मैंने कुछ डाटा एनालिसिस किया, जिसके अकॉर्डिंग दक्षिण कोरिया के कुछ ऐसे जगह हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पे से लगभग 160 केसेस नए मिले हैं, जिनको हम रीअकरेंस कह सकते हैं। रीअकरेंस मीन्स जिसको एक बार कोरोना इन्फेक्शन था उसको दोबारा से हुआ है। और वहाँ पे बहुत सारे शोधकर्ताओं ने ये शोध किया है और कई सारे आर्टिकल पब्लिश किए हैं। उस पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि जब हम कोरोना को ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए, तो जब अब हम किसी किसी अलग मेडिकेशन के साथ कोरोना को ट्रीट कर रहे हैं, तो कोरोना के जो वायरस हैं वो लंबी नींद में चले जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं और लंबी नींद में सो जाते हैं। इसको मैं बिल्कुल ही आपको कह सकती हूँ, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और तो वो हमारे शरीर में ही सो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक टी लिम्फोसाइट नामक सेल होता है, जिसको आप रोग प्रतिरोधक सेल्स भी कह सकते हो, इम्यून सेल्स। उस सेल का काम होता है दोस्तों कि जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या बाहर से कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे हमला करता है, तो वो हमारे लिए बॉर्डर पे सोल्जर की का काम करता है। तो जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी में सो रहा होता है, वो कुछ ना कुछ एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, कुछ भी तरल पदार्थ कह दो सरल भाषा में, वो अपने बॉडी से निकालता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको तो लगता है कि इन्फेक्शन तो और है नहीं, बट वो जो सेक्रेशन आते रहते हैं उसकी वजह से हमारा टी लिम्फोसाइट दिन ब दिन वीक होता जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जो कि वो बिल्कुल भी लड़ने की ताकत खो देता है। तब कोरोना वायरस अटैक करता है हमारे बॉडी पे अगेन, एंड दिस सिचुएशन इज़ रियली सीरियस, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये सिचुएशन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सबसे विनम्र विनती करती हूँ कि कोरोना से बचें और सावधानी अपनाएं। आप तक जितनी सावधानियां आपने अपनाई हैं उसको दुगुना कर दें, उस सावधानी को दुगुना करके इसको अपनाएं और कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।